Newcomers Shashank Arora and Shivani Raghuvanshi, who are waiting for the release of their upcoming film Titli, say they struggle a lot to get the chance to work in this Yash Raj Banner's film. Catch the exclusive chit-chat here, where both the actors share their struggle and experience about shooting their film Titli. ये बड़े भाई हैं, ये तितली के पापा हैं और ये नीलू है जिसके साथ तितली की शादी करवाई जाती है। तो तितली भागना चाहता है, तो ये कहानी है कि तितली कैसे भागने की कोशिश करता है इस परिवार से और कैसे वो फेल हो जाता है और कैसे सक्सेसफुल नहीं रहता और फिर से कोशिश करता है इस लड़की के साथ मिलके इस मोहल्ले से निकलने की, जो मोहल्ला गाड़ी चोरों से भरा है और एक ऐसा मोहल्ला जहाँ, जैसे मैंने कहा, बिजली नहीं पहुँचती और पानी नहीं पहुँचता और जहाँ लोग जिस तरीके से रहते हैं जीना मुश्किल है। ऑफ़र शब्द एक गलत शब्द हुआ। ये पिक्चर मुझे ऑफ़र नहीं हुई, इस पिक्चर के लिए मैं लड़ा हूँ, इस पिक्चर के लिए मैंने खून पसीने बहाए हैं। तो ये ऑफ़र नहीं हुई थी मुझे। मैंने ऑडिशन दी थी 2 महीने की, करीब 50 ऑडिशंस दी थी। मैंने चप्पलें खाई ऑडिशन के प्रोसेस के ड्यूरिंग। ये चीज़ें समझने के लिए मैं वर्सोवा चौपाटी पे गया, अपनी पैंट उतार के मैं उधर हाफ नेकेड खड़ा हुआ और बाथरूम जाने की कोशिश की, क्योंकि मेरे डायरेक्टर ने कहा तुम जाओ चौपाटी पे और महसूस करके आओ, तुम तो एक दिन कर रहे हो, महसूस करके आओ कि जो चौपाटी पे हर रोज़ बाथरूम जाते हैं सुबह सुबह, उनका दिन कैसे शुरू होता है, उनके दिन में क्या बीतती है। और तुम ये शायद अभी 1 घंटा जाके एम्बैरेस्ड फील करोगे, ह्यूमिलिएटेड फील करोगे, पर वो जो एम्बैरेसमेंट है, वो ह्यूमिलिएशन है, वो याद रखो, क्योंकि उसके बिना ये किरदार नहीं निभा सकते तुम। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। ये शायद एक अच्छी चीज़ रही मेरे साथ कि मैंने उम्मीद नहीं लगाई थी। मुझे तो वायरफ का फिल्म है, कौन सा मुझे दे देंगे, और मेरा तो फर्स्ट ऑडिशन है, तो मेरे लिए एक्सपीरियंस है, तो आई वॉज टेकिंग इट मोर एज एन एक्सपीरियंस। तो बहुत इंटरेस्टिंग था वो सारा प्रोसेस। आई वॉज वेरी हैप्पी विद दिस थिंग कि मुझे लग रहा था ये क्या कैरेक्टर दे दिया है, तो कपड़े अच्छे नहीं पहना रहे हैं, लुक अच्छा नहीं दे रहे, मैं हीरोइन ही नहीं लग रही हूँ कहीं से। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ हीरोइन, तो मुझे लग रहा था मैं हीरोइन नहीं लग रही हूँ, मेरा करियर खत्म यहाँ से। इनका एक फिल्म करेंगे, नेक्स्ट फिल्म में बोलेंगे ये लड़की तो सुंदर ही नहीं है, ये तो अच्छी दिखती नहीं है, श्रीकांत मतलब बस एक्टिंग करी। वो स्टाम्प लगा देते ना हमारे इंडस्ट्री में कि ये तो यही टाइप का सिनेमा करेगी, तो मुझे लगा था ये तो मेरा करियर खत्म। बट देन आई रियलाइज कि मैं जब कैरेक्टर, मुझे लगता था शायद मैं दिल्ली से हूँ, तो मुझे लगता था यार मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, पर मैं ऐसे कपड़े तो नहीं पहनती, ये पता नहीं अलग ही। बट हम लोगों जब जिस एरिया में हमने जब शूट किया, आई गेस एवरी सेकेंड पर्सन वॉज वेयरिंग द सेम क्लोथ्स। हर कोई ऐसा ही था, वो सिंपल सलवार कमीज, ऐसा दुपट्टा लेना, वो कोनी करना, तो वो सब चीज़ें बहुत, मतलब आई थिंक हमने जहाँ पे शूट किया उसकी वजह से भी बहुत हेल्प हुआ मुझे पर्सनली, क्योंकि जब आप देखते हो तो आपको बिलीव ज़्यादा, आपका स्ट्रांगली यू स्टार्ट बिलीविंग कि अच्छा ऐसा चीज़ें होता है, एग्जिस्ट करता है। डायरेक्टेड बाय कनु बेहल, तितली इज अबाउट अ डाइफंक्शनल फैमिली बेस्ड इन दिल्ली हुज मेन ऑक्यूपेशन इज टू वायलेंटली हाईजैक कार्स। The film also stars Ranveer Shorey and Amit Sial. It is set to release on October 30. IANS report.